स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं मोनिका। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेनिफिट्स ऑफ वाटरमेलन यानी तरबूज के फायदे। दोस्तों तरबूज का नाम जैसे ही आता है एकदम ऐसा फ्रेश जैसा फील होता है। तरबूज खाने में बहुत यमी लगता है। तरबूज का जूस अगर हम पीते हैं वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा फील करवाता है हमको, तो मोस्टली लोगों को बहुत पसंद होता है। तो आज हम तरबूज के बेहतरीन फायदे देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स करके हमें जरूर बताते रहें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों आप अगर किसी विषय से सहमत नहीं है या आपने कोई रेसिपी ट्राई की है और आपको फायदा नहीं हुआ है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। हम आपको बताएंगे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज यानी कौन सा फेस मास्क या बालों के टेक्सचर के हिसाब से कौन सा हेयर मास्क आप इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे फायदे मिले। मैं आप सबके कमेंट्स जो भी आप कमेंट करते हैं मैं पढ़ती हूँ अच्छे से और मैं कोशिश करती हूँ कि सबका रिप्लाई भी करूँ। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम तरबूज के 9 फायदे देखने वाले हैं। मैं आपको 9 बेहतरीन फायदे बताऊंगी। तरबूज का पहला फायदा है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यानी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके लिए तरबूज बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ जाती हैं, खाना समय पे नहीं खाते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी होती रहती है। तो अगर आप वाटरमेलन का सेवन आप गर्भावस्था में करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अच्छा होगा। दोस्तों वाटरमेलन यानी तरबूज में विटामिन ए पाया जाता है, B6 पाया जाता है और सी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं जिसकी जरूरत गर्भावस्था में अक्सर महिलाओं को होती है यानी अगर ब्लड टेस्ट वगैरह वो करवाते हैं तो उनके शरीर में इन सब विटामिन और मिनरल्स की कमी पाई जाती है। तो नियमित रूप से अगर तरबूज का सेवन आप करेंगे तो इन सब जो भी समस्याएं हैं आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, काफी हद तक आपको छुटकारा मिलेगा इनसे। तरबूज का दूसरा फायदा है कि वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है। दोस्तों तरबूज में अगर वैसे हम बात करते हैं विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तरोताजा है तो हम ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं यानी एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कर पाते हैं। अगर आप तरबूज का जूस भी एज अ मिनरल जो अपना एनर्जी ड्रिंक होता है उसकी जगह पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप जो आपका एक्सरसाइज वगैरह का टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया क्योंकि इसमें काफ़ी एनर्जी होती है और फाइबर भी अच्छा होता है। इसमें अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है आपको तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तरबूज में जो कैलोरी कंटेंट होता है वो काफ़ी कम पाया जाता है और फाइबर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम फाइबर का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर से जो विषैले तत्व हो जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं मल के रास्ते। तो ऐसे में अगर आप नियमित रूप से तरबूज का सेवन कर रहे हैं, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो नियमित रूप से अगर आप तरबूज का सेवन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करेगा जो वेट कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तरबूज का तीसरा फायदा है फेस के लिए यानी चेहरे के लिए, स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों अगर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं तो तरबूज का एक टुकड़ा ले लीजिए, काट के उसको अपने चेहरे पे धल के हाथों से मसाज कर लीजिए ऐसे सर्कुलर मोशन में और उसको 15-20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। तरबूज के जूस का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसी में ही एक थोड़ा सा 2-4 बूंदे तरबूज के रस की लेके उसको अपने चेहरे पे लगा लें, कॉटन गीले करके आंखों पे रखें, आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। और इससे काफ़ी फेस मास्क भी बनाए जा सकते हैं। तरबूज को मैश कर लीजिए अच्छे से, उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस, आपके लिए इतना अच्छा फेस पैक बनेगा, आपको बहुत अच्छा ग्लो आएगा।
प्री ब्राइडल जब फेशियल वगैरह मसाज वगैरह अगर हम करते हैं तो ऐसे में अगर आप किसी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं मसाज करने में तो उसमें थोड़ा सा तरबूज का रस डाल लीजिए। तरबूज का रस नहीं तो तरबूज को ऐसे ही मैश करके डाल लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे स्किन वाइटनिंग होती है, फ्रेश होता है, चेहरे का कालापन चला जाता है। और अगर आपका चेहरा टैन हो गया है तो आप तरबूज की स्लाइस लीजिए और जहां से आपको लग रहा है स्किन टैन हो गई है वहां ऐसे ही पूरा पैच लगा के वहां रख दीजिए। 10-15 मिनट के बाद उतार के उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा ऐसे रब करके और पानी से धो डालिए। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि वो स्किन टैन की वजह से जो कालापन आ गया था वो काफी हद तक ठीक हो गया है। और अगर आप तरबूज का सेवन नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा करेगा, जो हमारे चेहरे को हष्ट पुष्ट और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तरबूज का चौथा फायदा है छोटे बच्चों के लिए, यानी बेबीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप तरबूज का जूस दे सकते हैं, आप तरबूज ऐसे ही खाने को दे सकते हैं। बच्चे जैसे ही सॉलिड फूड लेना शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, तो आप छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए उनको, वो अच्छे से चबाएंगे। दोस्तों तरबूज में बहुत सारी खूबियां होती हैं, विटामिन मिनरल के साथ साथ अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। बच्चों के लिए ये मतलब एनर्जी का साधन है। बच्चों को अगर हम फ्रूट खिलाते हैं, यानी ये तरबूज ऐसे ही खिलाते हैं इंस्टेड ऑफ जूस, तो बच्चों का पेट जो भरा भरा महसूस होता है क्योंकि फाइबर अच्छा होता है, और फाइबर कंटेंट अगर अच्छा है किसी चीज में तो पेट की कमी, जैसे मैंने बताया पेट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होने देता है, डाइजेशन को ठीक करता है। बच्चों को पेट की काफी सारी परेशानियां हो जाती हैं, जैसे गैस बन जाता है उनको, पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है, तो ऐसे में तरबूज बहुत काम की चीज है। तरबूज का पांचवा फायदा है डायबिटीज पेशेंट के लिए। दोस्तों तरबूज वैसे तो मीठा होता है लेकिन डायबिटीज में अच्छा होता है क्योंकि शुगर का जो लेवल होता है वो काफी कम होता है। अगर आपको मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको मीठा खाने की तलब लग रही है तो एक टुकड़ा तरबूज खा लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर मधुमेह के जो रोगी हैं उनको अगर शुगर, लो शुगर का प्रॉब्लम है, तब तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आपके लिए फायदेमंद है। नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको जो डायबिटीज में जो शुगर का जो लेवल फ्लक्चुएट होता है उससे काफी हद तक निजात मिलेगी। तरबूज का छठा फायदा है हेयर ग्रो करने के लिए, यानी हेयर ग्रोथ के लिए, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके बालों की जड़ों को ये मजबूत बनाता है, और बालों की जड़ें अगर मजबूत हैं तो बालों की लंबाई बढ़ना लगभग तय है। तो अगर जड़ें कमजोर होती हैं तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, तो काफी सारी परेशानियां आ जाती हैं। नियमित रूप से सेवन करें और साथ ही साथ इसके जूस को थोड़ा सा सिरका में मिक्स करके आप बालों को धो लें, उसको लास्ट में जब 2-4 जग पानी के रह जाते हैं उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच आप सिरका मिक्स करें, 1/2 चम्मच ये तरबूज का रस मिक्स कर लें आप, अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे हेयर मास्क भी बना सकते हैं आप तरबूज से, फेस मास्क भी बना सकते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से रेगुलरली अगर इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे या उनको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अपने बॉडी पे, तभी आपको फायदा होगा, 1-8 बार से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तरबूज का सातवां फायदा है हड्डियों को मजबूत करता है। दोस्तों बच्चों के लिए भी इसीलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं और कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है इसमें, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ हड्डियों की अगर फ्लेक्सिबिलिटी चली गई कुछ समय के बाद, यानी कुछ उम्र के बाद हम महसूस करते हैं कि हमारी जो बोन होती है वो रोटेशन जो होता है उनका गड़बड़ा जाता है, कहीं से भी कड़कड़ की आवाज आने लगती है, और अगर हम ऐसा थोड़ा उसको ऐसे हिला रहे हैं या घुमा रहे हैं तो दर्द महसूस होता है, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती, हम झुक नहीं पाते हैं। अगर ऐसी समस्या है उसके लिए भी तरबूज बहुत अच्छा है। और आपको इसका सेवन करना है, यानी दिन में अगर हड्डियों की प्रॉब्लम की वजह से आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो 5 बजे से पहले ही आप इसका सेवन करेंगे, रात को इसका सेवन अवॉइड कीजिए। तरबूज का आठवां फायदा है हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा, यानी मसूड़ों को एकदम स्ट्रांग बनाता है, ताकतवर बोले तो
ऐसा मजबूत बनाता है, यानी दांत जो कीड़ा लगना है, हिलते हैं दांत, वो सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अगर हम जैसे हमने तरबूज का खाना खाया है, उसके बाद हमने अगर तरबूज खा लिया है, तो हमारे दांतों को वो सफाई, इसमें इस तरह के तत्व पाए जाते हैं कि कीटाणु नहीं पनपने देता है दांतों में, और जिसकी वजह से कीड़ा नहीं लगता है, कैविटी नहीं होती है। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, यानी दांत आने का टाइम होता है, तो तरबूज का छोटा सा टुकड़ा बच्चों को दे दीजिए, क्योंकि उस समय पे वैसे भी बच्चों के दांतों में खुजली सी होती है, वो हर चीज मुंह में डालते हैं। ऐसे में अगर आप तरबूज देंगे तो फायदे दुगने हो जाएंगे, मसूड़े मजबूत होंगे और दांत भी चमकदार और अच्छे रहेंगे। नौवां फायदा जो तरबूज का है वो है हमारे शरीर को तरोताजा रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दोस्तों बहुत सारे गुण पाए जाते हैं तरबूज में, जैसे गर्मियों में अगर हमको तरबूज मिल जाता है, हमें देख के ही बड़ा अच्छा फील आता है, और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा तरबूज मिल जाए तो हमारे शरीर को ऐसे ही तरोताजा कर देता है। और इसी तरह से अगर हम नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो हमें फायदे मिलते रहेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, हृदय संबंधी अगर कोई परेशानी है, सांस फूलना जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी अन्य परेशानियां हो जाती हैं, तो उससे भी काफी हद तक छुटकारा दिलाता है। बाकी फायदे मैंने आपको बता दिए हैं, और अलग से अगर आप देखें तो संपूर्ण जो चीजें होती हैं, मिनरल, विटामिन, कैल्शियम, जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, वो सब तरबूज में पाए जाते हैं। तो अगर आप अभी तक तरबूज का सेवन नहीं करते हैं तो आप शुरू कर दीजिए, आपको भरपूर फायदे मिलने वाले हैं उससे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाय।